तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई ये जो गेम प्ले होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट गेम प्ले होने वाला है। क्योंकि भाई अभी तक मेरा, सच्ची बोलूँ, मैं बहुत कम खेलता हूँ आजकल, और अभी तक मेरा एक भी चिकन नहीं हुआ था। तो इस मैच में मैं चिकन होता है विद डिसेंट किल, 7 किल्स थे मेरे और चिकन भी हुआ। और भाई खुद ही सोचो, 7 किल्स पे चिकन निकालने पे कितना प्लस हुआ। तो भाई गेस करो और अभी बताओ कमेंट में कितना प्लस हो सकता है। भाई वो मैं बोल रहा हूँ भाई, अनएक्सपेक्टेबल था इतना प्लस मेरा। मेरा हाईएस्ट प्लस अभी तो डायमंड टायर का, और ये डायमंड वन पे पहुँच चुका हूँ। ये डायमंड वन का गेम प्ले है, कुछ दिनों में मतलब फुल मैक्स टू मैक्स ट्राई करूँगा कल तक, या मैक्स अगर हो सके तो आज ही मैं डायमंड से क्राउन पे पहुँच जाऊँगा, अगर सब कुछ सही रहा तो माइनस ना पड़ा। तो भाई इस गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लूटता हूँ, और यहाँ पर आराम से लूट कर ली थी मैंने। तभी मैं सामने एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड की तरफ जाता हूँ। तुमने देख ही लिया होगा कि एक गाड़ी जा रही है, और वो गाड़ी यहीं पे रुक गई। भाई मतलब यहाँ पे वो बंदा रुक चुका है, यहाँ पे लूट कर रहा है। देखो यहाँ पे भाई, अभी देखो मेरे ड्रॉप पे आया, पेलना तो बनता ही है। तभी मुझे लेफ्ट से एक बॉट दिखता है, वो देखो वहाँ पे आ रहा है, और बॉट यहाँ पे आता है और मैं इस बॉट को पेलता हूँ। इस बॉट को मैंने पीबी पाइथन से पेल दिया, और इसी गाड़ी टायर फोड़ देता हूँ ताकि कहीं ये बंदा भाग ना पाए। की गाड़ी के दोनों टायर फोड़ दी मैंने। मैंने भाई सोचा मैं ड्रॉप पे आया, अगर क्या पता अगर ये ओपन में दिखे तो मैं इसे पेल भी सकता हूँ। बट अभी अभी भाई इस पर रश करना बेवकूफ़ी होगी और माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैं पीछे फॉल बैक कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो भाई, सामने मुझे एक बग्गी दिखती है, उस पर सबसे पहले मैं स्मोक करता हूँ, और उस बग्गी पर आराम से मतलब अभी देखो भाई ओपन है फुल। तभी भी यहाँ पे रिस्क होता ना, इसलिए स्मोक करना जरूरी है। स्मोक किया और बग्गी पे जाऊँगा और सीधा यहाँ से निकलूँगा कहीं और लूटने। अभी ज़्यादा लूट नहीं हुई ना मेरी, तो भाई मैं यहाँ पे जा ही रहता हूँ। पीछे देखो दो गन साउंड है, मैं भाई समझ नहीं पा रहा है क्या यहाँ पे, दो बॉट लड़ रहे हैं। फिर देखो एक बॉट ने उसे पेला, मैं सामने अभी दिखा नहीं मेरे को कोई भी, और बहुत दूर है यहाँ से। तभी मैं सामने मैं गाड़ी में दोबारा बैठ गया, भाई छोड़ो क्या बता फिनिश हो जाऊँ। तभी मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है, ये वही बॉट था जिसने उस बॉट को पेला था। मतलब यहाँ पे दो बॉट थे, एक बॉट को मैंने पेल दिया और दूसरे बॉट को आपस में मर गए। तो भाई बढ़िया यहाँ पे, और यहाँ पे बंदा भी होने के चांसेस थे, इसलिए मैंने इनको लूटा नहीं और जल्दी से जल्दी इस कंपाउंड में आता हूँ। और यहाँ पे भाई देखो होल्ड करता हूँ और थोड़ी बहुत लूट भी कर लेता हूँ, और सीधा मैं तुम्हें अब एंड जोन की तरफ ले चलता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पे आता हूँ मैं आराम से, काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ, लूट करता हूँ, फिर जोन की रोटेशन देने के लिए निकल लेता हूँ। और भाई देखते हैं थर्ड जोन बनता कहाँ पे है, देखते हैं भाई, क्योंकि उसी के हिसाब से रोटेशन दूंगा ना। और डायमंड वन पे हूँ मैं, और भाई अगर माइनस लगा तो कितना ज़्यादा लग सकता है तो मैं भी पता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। और जोन भाई एकदम मेरे अपोजिट बन जाता है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे लौटता हूँ, हील वील मारता हूँ, और फिफ्थ जोन आने में थोड़ा सा टाइम बचाता है, इसलिए मैं गाड़ी पर बैठता हूँ और सीधा जोन की तरफ निकल लेता हूँ। और भाई देखो पूरा जोन, पूरा का पूरा जोन शूटिंग रेंज की तरफ है। इस सीज़न में बहुत नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे जोन शूटिंग रेंज में बन रहे हैं। भाई तुमने भी नोटिस किया होगा बहुत जोन बने हैं शूटिंग रेंज की तरफ। चलो कोई नहीं भाई, अब देखो यहाँ पे मैं आ चुका होता हूँ, और देखो भाई यहाँ पे हर जगह बंदे होते हैं। और देखते हैं अभी मुझे पता नहीं फिफ्थ जोन बनेगा कहाँ, और जहाँ पे बनेगा मैं उसे सेंटर होल्ड करूँगा। मैं तुम्हें पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ और आगे भी बोलते रहूँगा, फिफ्थ जोन पे सेंटर होल्ड करो और एकदम मक्खन प्लस भी होंगे, किल भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। भाई जोन यहाँ पे बन जाता है, और देखो भाई जो लेफ्ट में शेक होता है वो जोन के एकदम सेंटर में होता है। मैं वहाँ पे गाड़ी जाता हूँ, तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। भाई ओ भाई देख रहे हो, मैं भाई कसम से बोलूँ हल्का सा मैं अपनी गाड़ी पे एग्जिट बटन दबाया था, बट मैं निकल नहीं पाया, बट पता नहीं क्या हो गया। चलो दो बार मैंने एग्जिट दबाया तब निकला, और भाई जी इस बंदे को मैंने पहली गोली हेडशॉट मार दी, उसको आराम से पेल दिया। भाई तो यहाँ पे मैं पेटी हुए स्मोक करता हूँ और यहाँ पे लूट लेता हूँ। तभी पीछे से एक गाड़ी की मतलब यहाँ से बगल में जा रही थी, मैं उस पर निकलता हूँ और फायर लेता हूँ। ये BRDM होती है भाई, मैंने पूरी M4 की मैग खाली कर दी और DP से फाइल लेता हूँ। अब देखो ये बंदा मेरे पे स्लैमिंग दे देता है, और हमारी और इसकी फाइट इंजॉय करो। मैं कवर में गया। ओ भाई देख लो ये बंदा, भाई तुमने एंड मौके पे नोटिस किया, मैं बताता हूँ भाई क्या हुआ यहाँ पे।
स्टार्टिंग में इसने मेरे को प्रीफायर दिया, मैं कवर में था, जैसे इसकी मतलब प्रीफायर रोकी मैं निकल के इसे पेला, तो फिर इसने मेरे को प्रीफायर दिया, तो जब मैं दोबारा निकला पेला ना, इस बंदे की मूवमेंट जीरो हो गई भाई। इसका मतलब है ये जो पीछे था BRDM थी, मेरी बग्गी भी थी और उस एनिमी की भी बग्गी थी, मतलब तीन गाड़ियाँ थी यहाँ पे। इस बंदे ने जिगल पेल रहा था बट भाई जिगल हुआ ही नहीं इससे। चलो कोई नहीं भाई, पीछे से एक गाड़ी की साउंड आती है और मैं इसे पेलने के लिए मतलब देखता हूँ भाई दिखे या पेलूँ, तब यहाँ से मुझे थोड़ा सा एंगल बनता है। इसको एक गोली कनेक्ट हो गई थी भाई, तुमने देखा हो तो। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पे बच जाता है वो बंदा। और यहाँ पे भी देखो पूरा जोन बनने वाला है, अभी देखते हैं भाई जोन बन तक आए पूरा। अभी तो मैं सेंटर में हूँ पर भाई जोन भाई धोखा देता है, यहाँ पे नहीं बनता। जोन भाई देखो जो राइट साइड में वो रिज होती है ना, पूरी रिज पे जोन था मैं भाई, यहाँ पे ओपन में फंसा पड़ा हूँ। और सामने देखो वो एक यूजेड है, वहाँ पे एक बंदा होता है, मतलब यहाँ पे बहुत बंदे होते हैं और टॉप 10 तो मैं हो गया था। और अभी मैं कंफ्यूज था जाऊँ कहाँ, तो सामने गाड़ी आती है। ओ भाई एक और BRDM, ओ भाई देख रहे हो कितनी BRDM है इस मैच में। चलो बढ़िया भाई, यहाँ पे मैं सोचता हूँ अभी सही मौका है, निकलना चाहिए। तभी मैं यहाँ पे एक स्मोक पकड़ता हूँ और यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ ताकि इस पेटी को लूटूँ और जल्दी से जल्दी BRDM में बैठ के निकल सकूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने एक स्मोक किया और भाई सेफ्टी के लिए मैं एक और स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि स्मोक थोड़ा सा साइड हो गया था ना, ये स्मोक हो जाता है। तभी मैं जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ क्या पता कोई बंदा दिखे तो मैं उसे पेलूँ, बट कोई नहीं दिखता। इसलिए यहाँ पे आता हूँ पेटी पे, इसकी हेलमेट वेलमेट वैसे सब कुछ उठा लिया, एमओ सब उठा लिया। अब मैं इस साइड आऊँगा और BRDM पे भाई बैठ के जोन की तरफ निकलता हूँ। इस मैच में भाई इंडियन ओपी होता है, जो पिछले सीज़न #2 पे पूरा सीज़न बैठा था, ओ भाई इस मैच में मेरे साथ आया था। मतलब भाई देखो हमारी इसकी फाइट भी होती है, क्या होता है यहाँ पे। मैं BRDM लेके सामने जाता, तभी देखो लेफ्ट में स्मोक हुआ है, वहाँ पे मतलब स्मोक वाल बनाई बंदे ने, मतलब वहाँ पे एक बंदा है। मैंने सोचा इस बंदे को पेलूँगा, इसलिए पेड़ पे गाड़ी रोकी। और यहाँ पे अभी मैं मूड था अभी गाड़ी में बैठते हैं top 5 हो जाएगा, बट तभी भी देखो भाई एक बंदा गाड़ी घुमाया जाता, ये देखो क्लिफिट देखो, उसने इंडियन ओपन से पेला, मैं निकल के सिर्फ फाइल लेता हूँ। ये बंदा बहुत लो गया था, यहाँ पे मैं दोबारा फाइल लेता हूँ। ओ भाई देखो फिनिश, ओ भाई ये था इंडियन ओपी, मज़ा आ गया भाई। इस पेड़ पे कौन बंदा था भाई, यहाँ पे दो बंदे मिलके गाड़ी में फाइल ले रहे थे और भाई वो बंदा भी देखो इंडियन ओपी, हम दोनों के बीच में गाड़ी दौड़ा जा रहा है, फिनिश होना था बनता ही था भाई। चलो कोई नहीं, आराम से इसे फेल दिया। और भाई इस बंदे ने अगर गाड़ी यहाँ पे अगर साइड ले जाता ना तो काफ़ी चांसेस से बच जाता। चलो कोई नहीं भाई, भाई ने सही खेला, मतलब स्टार्टिंग में भाई ने काफ़ी सही से किल निकाल लेते हैं। तो पीछे मैं स्मोक कर देता हूँ ताकि अगर कोई बंदा मेरे गन साउंड सुन के पीछे आए तो फेल ना पाए। तो अभी भाई मैं इस बंदे पीक लेता हूँ और बंदे को दो हेड और एक बॉडी मैं फिनिश कर देता हूँ भाई। ओ भाई ये मैच 6ठा किल होता है भाई इस मैच में, और एक लास्ट बंदा बचा था। अब देखो भाई सबसे ज़्यादा हार्ड सिचुएशन ये है, यहाँ पे लास्ट बंदा बचा है, मुझे उसकी लोकेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और मैं जोन में भी नहीं हूँ। और जो मेरी BRDM थी इसको मैंने खुद कम से कम 60-70 गोली मार दी थी जब ये मेरे पे रश कर रहा था, इसलिए मतलब BRDM भूल ही जाओ, मतलब तुरंत फटेगी। और बंदे को लोकेशन भी दे दूँगा। ये भाई अब होता है मेन फोकस चिकन निकालने का भाई। अब इस मैच में तुम पे डिसाइड करता है। अब तुम देखो #2 पे हूँ, देखो भाई मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे जा ही रहा होता हूँ तभी देखो सामने मुझे स्मोक दिखता है, एक नॉर्मल बंदा दिखेगा भाई, खुद ही देखो सामने स्मोक हुआ है। मैं खुद सोच रहा हूँ सामने बंदा है, बट भाई यहाँ पे बंदा नहीं होता सामने, ये बंदा मतलब थोड़ा सा अभी मेरे सामने के राइट साइड में होता है, बट यहाँ पे उसने फॉल्स स्मोक किया था ताकि मेरा ध्यान उधर जाए। चलो कोई नहीं भाई, मैं यहाँ पे अभी कंफ्यूज हूँ बंदा है कहाँ। अभी उस बंदे ने मुझे एक हिंट तक नहीं दिया कि बंदा उस साइड है। तो भाई यहाँ पे देखो मैं पूरा आ रहा हूँ, और अभी मैंने सोचा भाई मैं बैग वाइट कलर का है और बहुत बड़ा है, मतलब भाई अगर कोई बंदा स्पॉट कर ले तो काफ़ी चांसेस हैं मेरे को फिनिश कर सकता है। इसलिए मैं अपनी एक्स्ट्रा एमो जो भी मतलब 7.62 थी सारी एक्स्ट्रा एमो बैग से उतार देता हूँ, और बैग भी निकाल दिया और सोचता हूँ कपड़े भी निकाल दूँ भाई। तो भाई यहाँ पे मैंने कपड़े उतार दिए, बैग उतार दिया भाई, देखो अब भाई क्या ही मतलब डेथ जोन आने वाला है, सिर्फ 25 सेकंड बचे हैं और फिर जोन आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद डेथ जोन भी आ जाएगा। तो भाई देखो
अभी भाई फुल इंटेंस मैच चला था, यहाँ पे सभी बंदे देख रहे थे ना, जितने को भी पेला था मैंने। चलो देखो भाई, यहाँ पे बंदा मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी सही खेला, ना ही मुझे उसकी लोकेशन का आइडिया उसे, बट मेरी लोकेशन का आइडिया हल्का फुल्का हो ही गया होगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम नहीं मारा था। तभी मैं रैंडमली यहाँ पे गेट करता हूँ, मतलब मुझे लगा सामने जो पेड़ है एक ही कवर है वहाँ पे होगा, बट भाई लेफ्ट में देखो दोबारा स्मोक। ओ भाई मैं कंफ्यूज, अब बंदा है किधर? मैं जोन में आता हूँ इस साइड थोड़ा सा। अबे भाई देखो सामने स्मोक था, मैं रैंडमली यहाँ पे एक मॉली फेंकता हूँ बट यहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर मैं थोड़ा सा क्लोज इन जाता हूँ और एक और मॉली फेंकता हूँ भाई, देखते हैं। मॉली लेकर घर तो जाना है नहीं भाई, यहीं पे फिनिश कर देते हैं भाई। क्या पता एक आध किल मिल ही जाए, मतलब एंड में क्या पता फिनिश ही हो जाए मॉली से, बट कुछ नहीं होता भाई इस मॉली से। तो भाई यहाँ पे मैं एकदम जोन के कॉर्नर में आ जाता हूँ भाई, एकदम जोन का कॉर्नर है। यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा मतलब होल्ड करता हूँ, अभी देखते हैं भाई बंदा करता क्या है, क्योंकि भाई अभी मेरे पास 5 फर्स्ट एड है। 5 फर्स्ट एड मतलब एंड में अगर तुम जितने फर्स्ट एड मिले उतनी बढ़िया भाई, हिल बैटल में काम आती है। तो भाई बट यहाँ पे हिल बैटल की नौबत नहीं आई थी क्योंकि पूरा जोन ओपन में था, और इसलिए देखो भाई यहाँ पे मैं अभी मैं कोई भी मूड नहीं था भाई रश करने का, क्योंकि भाई जोन मेरे पे है और प्लस फर्स्ट एड भी है। वो बंदा मेरे पे रश करने आता है और देखो भाई क्या फाइट होती है हमारी। उस बंदे के फुटस्टेप राइट से आते हैं। ओ भाई माँ कसम भाई ओपी, कसम से भाई बोल रहा हूँ, ये बंदा खुद सोच रहा होगा कितना बड़ा सांप है भाई। मैं मानता हूँ भाई मैंने स्नेक कैंपिंग की ही है, बट भाई एफपीपी में सोलो एफपीपी रैंक पुश में भाई ये स्नेक कैंपिंग कॉम्पिटिटिव बंदे भी करते हैं भाई, मतलब भाई इतना चलता है भाई। अगर तुम हैक नहीं कर रहे, टीम अप नहीं कर रहे तो भाई सब कुछ चलता है सोलो एफपीपी में। तो भाई इस बंदे को मैं पेल दिया और भाई ये मेरा पहला चिकन होता भाई। कुछ मैंने 30 से 40 मैच खेले हैं भाई सीजन में, और इस 30 से 40 मैच में मैं डायमंड 1 पे हूँ और प्लस पहला चिकन भी हो गया, और टॉप 10 की परसेंटेज कुछ 40+ है। हाँ तो मतलब काफ़ी सही सभी स्टैटिस्टिक्स हैं मेरे, और इस तरह मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा क्रॉन पे जाने का और फिर क्रॉन टाइगर गेम प्ले डालूंगा भाई। तो भाई अगर तुम इस तरह नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हो और क्रॉन टाइगर गेम प्ले देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। तो भाई इसी मैच के साथ मेरा 34+ होता है भाई। ओ भाई कसम से 7 किल थे 34+ #1 पे भाई, मज़ा आ गया। तो भाई तुम्हें मेरी रैंक दिख रही होगी एंड में। तो भाई आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रॉप लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय गाइस, और भाई लाइक जरूर कर देना इस चिकन के लिए भाई, पहला चिकन है थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करना भाई। चलो बाय बाय।